कोरोना के कारण सबके लिए जो नियम निर्धारित हुए थे उसके कारण मैं पहले तो बार बार आपके बीच आता था, लेकिन इस बार मुझे आने में विलंब हो गया। जब इतना समय बीत गया बीच में तो मैं खुद फील करता था कि मैंने कुछ खो दिया है, ऐसा लग रहा था आपको देखा नहीं, आपके दर्शन नहीं हुए। आज जब आया तो मन इतना प्रफुल्लित हो गया, आपके दर्शन किए मन इतना ऊर्जावान हो गया। लेकिन मैं इस कोरोना के कालखंड में भी एक दिन भी आपसे दूर नहीं था। मैं आपको बताता हूं कोरोना के केस कैसे बढ़ रहे हैं, अस्पताल की क्या व्यवस्था है, सामाजिक संस्थाएं किस प्रकार से काम कर रही हैं, कोई गरीब भूखा तो नहीं रहता है, हर बात में मैं सीधा जुड़ा रहता था साथियों। और मैं मां अन्नपूर्णा की इस धरती से आपने जो सेवा भाव से काम किया है, किसी को भूखा नहीं रहने दिया है, किसी को दवाई के बिना रहने नहीं दिया है, इसलिए मैं इस सेवा भाव के लिए इस पूरा और समय बहुत लंबा 4-4, 6-6, 8-8 महीने तक निरंतर इस काम को करते रहना देश के हर कोने में हुआ है, मेरी काशी में भी हुआ है। और इसका मेरे मन पर इतना आनंद है, मैं आज आपके इस सेवा भाव के लिए, आपके इस समर्पण के लिए मैं आज फिर मां गंगा के तट से आप सब काशीवासियों को नमन करता हूं, आपके सेवा भाव को प्रणाम करता हूं। और आपने गरीब से गरीब की जो चिंता की है उसने मेरे दिल को छू लिया है। मैं जितना आपकी सेवा करूं उतनी कम है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरी तरफ से आपकी सेवा में मैं कोई कभी नहीं रहने दूंगा। मेरे लिए आज गौरव का पर्व है कि आज मुझे ऐसे जगमगाते माहौल में आपके बीच आने का अवसर मिला है। कोरोना को परास्त करके हम विकास के पथ पर तेज गति से बढ़ेंगे, मां गंगा की धारा जैसे बह रही है, रुकावटों संकटों के बाद भी रह रही है, सदियों से बह रही है, विकास की धारा भी वैसे ही बहती रहेगी, यही विश्वास लेकर के मैं भी यहां से दिल्ली जाऊंगा।